नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन पर। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का टेस्ट लगाने वाले हैं, जो कि पार्ट नंबर आपका 4 है। इसके पहले हमने 3 पार्ट आपके अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा आपसे कि 5 से 8 फरवरी 2020 के मध्य देश का सबसे बड़ा हथियारों का मेला 11वां डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका देश का सबसे बड़ा हथियारों का मेला होगा, कौन से नंबर का? तो 11वां डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का जो आपका आयोजन होगा कहां पर किया जाएगा। तो यहां पर आपके 4 ऑप्शन है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर डी नंबर, आपके लखनऊ में। याद रखिएगा, 11वां डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? आपके लखनऊ। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 29 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है। काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे हैं बच्चों के कि सर लेखपाल से संबंधित यहाँ पर ट्रिक भी बना दीजिए, और जो अपडेट होते हैं तो हमने बता दिया था कि अपडेट के लिए हम अलग से बना देंगे। तो आपके करंट अफेयर में आ चुका है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल आपके कौन हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है। तो ये है आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल। तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर से एक वर्ड आ रहा होगा एप्पी। एप्पी, एप्पी मतलब होता है मैगी में बैन लग गया था, मैगी में बैन लग गया था ना, तो यहाँ पर मार्केट में आ गए एप्पी, और एप्पी जब से आ गई तो लोग बड़े आनंद से खाते हैं। ठीक है, जबकि बैन लग गया था, आनंद से खाते हैं, आनंदी हो जाएगा बैन, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। 16 से 18 अप्रैल 2019 के मध्य होम एक्सपो इंडिया 2019 का आयोजन कहां पर हुआ? होम एक्सपो इंडिया का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये आपके कहां पर हुआ है, क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा यहां पर कौन सा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ठीक है, कहां पर हुआ है? आपके ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 4 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों को शिकायत करने और उनके निस्तारण की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक हेल्पलाइन का शुरुआत किया है। तो आपकी ये जो हेल्पलाइन की शुरुआत किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो ये आपका है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर आपका है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, 1076। ठीक है, कौन सा है? 1076। तो ये 4 पॉइंट हमने यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में बनाया था जिनकी संभावना है। अब आपको यहाँ पर वन लाइनर भी क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे, लगभग आपके 15 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, बहुत ही बेहतरीन है। हम जो समझते हैं कि नहीं ये आपके आने की संभावना है उसको ऑब्जेक्टिव बता देते हैं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो पाए। यहाँ पर कह रहा है आपसे 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र में शिलान्यास किया। तो किस परियोजना का शिलान्यास किया है आपके वाराणसी में? तो काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर कह सकते हैं कि शिलान्यास किया है। कौन सी परियोजना है? काशी विश्वनाथ धाम परियोजना, बिल्कुल ईजी है, और उसी मंदिर में है जिस प्रकार की आपकी कह सकते हैं योजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन लखनऊ में कृषि विभाग के किसान पाठशाला के चतुर्थ संस्करण द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.0 का शुभारंभ कहां पर किया गया है? यह आपका चतुर्थ संस्करण है जो कि द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.0 का शुभारंभ जो आपका हुआ है कहां, कब हुआ था? तो आपके 9 जून 2019 को। ठीक है, तो आपके 9 जून 2019 को कहां पर हुआ? तो आपके लखनऊ के लोक भवन में हुआ है। याद रखिए, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाकर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कर आपसे कि 3 जून 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूरत गुजरात से आई बाइकिंग, ठीक है, सूरत गुजरात से आई बाइकिंग क्वींस टीम को राजधानी लखनऊ से रवाना किया है। यह दल आपके कहां से होते हुए जाएगा? तो याद रखिए, जो आपके कह सकते हैं बाइकिंग क्वींस टीम को आपकी राजधानी लखनऊ से रवाना करेंगे, वाराणसी से नेपाल होते हुए 3 महाद्वीपों अर्थात एशिया, अफ्रीका और यूरोप। याद रखिए, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 25 देशों की यात्रा करेगा। कितने दिनों में? 3 माह में पूरी करेगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रट लीजिए। हो सकता है कहाँ से शुरू करेंगे, तो बोलेंगे वाराणसी से स्टार्ट करेंगे, नेपाल हुए थे 3 महाद्वीप में, ये 3 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और आपकी यूरोप के 25 देशों की यात्रा करेंगे 3 माह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है।
9 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा से वीडियो लिंक के माध्यम से बक्सर और खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र की आधारशिला रखी, जो कि 1320 मेगावाट की ये दोनों संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पर, तो याद रखिए, देखो वीडियो लिंक के माध्यम से बक्सर और खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र की आधारशिला रखी है, ठीक है। और जो कि आपके 1320 मेगावाट के होंगे ये दोनों संयंत्र आपके, देखो एक होगा बक्सर जो कि बिहार में, दूसरा आपका होगा बुलंदशहर जो कि आपके उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा सकता है, दो जगह आपके बक्सर और आपके कह सकते हैं बुलंदशहर में आपके 1320 मेगावाट के दो संयंत्र स्थापित करे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि 6 मार्च 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है। तो याद रखिए, जो स्वच्छ सर्वेक्षण आपकी रिपोर्ट आई थी उसके तहत आपका दूसरी बार जो आपका सबसे स्वच्छ आपका जो शहर है वो आपका है कौन सा, गाजियाबाद जिले में समग्र रैंकिंग में आपका 13वां स्थान है, पूरे रैंकिंग में आपका 13वां स्थान है, वैसे आपका उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान आपका गाजियाबाद, ठीक है, ये दूसरी बार आपका प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट कर आपसे, 5 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया। काफी प्यारा क्वेश्चन आपका है, 5 मार्च 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां किया, तो आपके गोरखपुर में किया। कहां पर किया है, आपके गोरखपुर में किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 5 फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, तो आपके 2019 में उत्तर प्रदेश की गो सेवा आयोग की ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई हैं, वो आपकी भाजपा नेत्री हैं एवं मथुरा से आपकी लोकसभा सांसद भी हैं, आपकी हेमा मालिनी, ठीक है। हेमा मालिनी को उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग की ब्रांड एम्बेसडर आपकी नियुक्त की गई हैं, ठीक है, हेमा मालिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 5 से 7 अप्रैल 2019 के मध्य राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन आयोजित किया गया। तो याद रखिए, कहाँ पर किया गया है, तो आपके संजय गांधी स्नातकोत्तर आपका आयुर्वेद संस्थान आपकी कहाँ पर है, लखनऊ में। तो राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन कहाँ पर आपका किया गया, लखनऊ में, आपके संजय गांधी आपके आयुर्विज्ञान में, ठीक है। तो ये भी आपका काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, हम जितने भी क्वेश्चन लाए आपकी क्रॉप करके लाए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो और जो जरूरी है वही पॉइंट आपको पढ़ाएंगे। ऑब्जेक्टिव में समय जरूर लगता है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव बना देते हैं और जो आपके कह सकते हैं कि आपके संभावनाएं कैसे मिल सकते हैं तो उनको इम्पोर्टेंट की दृष्टि से वन लाइनर पढ़ा देते हैं ताकि समय कम लगे और क्वेश्चन आपके ज़्यादा हो जाएँ। कह रहा आपसे, 18 से 27 फरवरी 2019 के मध्य ताज महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो आप सबको पता होगा कि ताज महोत्सव आपका हर साल आगरा में मनाया जाता है, ठीक है, कहाँ पर, आगरा में, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, 24 अप्रैल 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ कहाँ पर किया। तो आपके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसने किया है, तो आपके नरेंद्र मोदी ने किया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि आपके कहाँ से, तो गोरखपुर आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि 19 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व का पहला डीजल से विद्युत में परिवर्तन, देखो कैसा है, विश्व का पहला डीजल से विद्युत में परिवर्तित आपका 10,000 अश्वशक्ति का ट्विनन रेल इंजन राष्ट्र को समर्पित किया है। देखो ये डीजल से विद्युत आपका परिवर्तन किया गया है, जो कि आपका 10,000 अश्वशक्ति का आप कह सकते हैं ये रेल इंजन किसको समर्पित किया गया, तो आपकी वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके हैं। नेक्स्ट कर आपसे, 5 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस अर्थात जिसे ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये ट्रेन आपकी कहां से कहां तक चलाई जाएगी, तो भाई ये ट्रेन आपकी कहां से कहां तक, तो आपके दिल्ली और वाराणसी के मध्य चलाई जाएगी, ठीक है, दिल्ली और वाराणसी के मध्य चलाई जाएगी, या आप कह सकते हैं चलाई जा रही है, ठीक है, दिल्ली और वाराणसी। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि 10 से 12 फरवरी 2019 के मध्य 13वां अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन प्रदर्शनी आपका पेट्रोटेक 2019 का आयोजन कहां पर किया गया। तो आपका पेट्रोटेक 2019 का जो आयोजन हुआ है कहां पर, ग्रेटर नोएडा में है, याद रखिए 13वां नंबर का है अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन, ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा आपसे कि 7 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। कब की गई? 7 फरवरी 2019 को। और ये बालिकाओं के लिए है, कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। तो कब की गई? तो ये जो आपका बजट पारित किया गया था, बजट में आपका 2019-20 के बजट में कन्या सुमंगला योजना के तहत आपके बालिकाओं को कह सकते हैं लाभ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 19 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन कहां पर किया? तो आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन कहां पर किया है? ये किए हैं आपके ऑप्शन राइट आपके कौन सा, तो आपके कानपुर में किए हैं। कहां पर किए हैं? कानपुर में किए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका दलहन अनुसंधान केंद्र और आपका चीनी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित हैं। इन दोनों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपकी करंट अफेयर उत्तर प्रदेश से आपको देखने को हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। और आपके इसके पहले पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, तो उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है।